हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं डॉर्नियर एयरक्राफ्ट न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली हुआ क्या है, 15 अगस्त को जब हम इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर रहे थे, इसी बीच में इंडियन गवर्नमेंट ने जो हमारी नेबरिंग कंट्री है श्रीलंका, उसे एक गिफ्ट दिया है और गिफ्ट के तौर पर एक एयरक्राफ्ट दे दिया है जिसका नाम है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंकन गवर्नमेंट को एक एयरक्राफ्ट गिफ्ट में दे रही है। क्योंकि इस एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो इस एयरक्राफ्ट की डिमांड श्रीलंका 2018 से कर रहा है। तो समझिए, एक लंबे समय से इंतजार था श्रीलंका को, बट इंडियन गवर्नमेंट ने अचानक से आज गिफ्ट के तौर पर दे दिया है। तो इस पूरे न्यूज़ को समझेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जरा हम डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के विषय में समझ लेते हैं, उसके बाद इस न्यूज़ की सिग्निफिकेंस को समझेंगे कैसे हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की बात करते हैं। देखिए, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, तो ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। देखने में बहुत ही छोटा है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। और इसके अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम HAL के नाम से जानते हैं। और मेनली इसका रोल जो है, जो फीचर है, ये बहुत ही शॉर्ट टेकऑफ और लैंडिंग में एक्सपर्ट है। और इंडियन नेवी इसे यूज करती है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन वगैरह हैं या मैरीटाइम सर्विलांस है और या फिर डिजास्टर रिलीफ सिस्टम है, वहाँ पर इसे यूज किया जाता है इंडियन नेवी के द्वारा। मेनली इसका काम होता है सर्विलांस का। अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, कब से ये रोल प्ले कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कब से ये वर्किंग है, तो ये वर्किंग है सिंस 1981 से, एक लंबे समय से समझिए काम कर रहा है। तो अब जरा समझते हैं कि आखिर डॉर्नियर एयरक्राफ्ट अचानक से इतना न्यूज़ में कैसे आ गया। ये न्यूज़ जो हम बात करें, डिस्कस करें, इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने अचानक से श्रीलंकन गवर्नमेंट को डॉर्नियर एयरक्राफ्ट गिफ्ट के तौर पर किया है। तो चलिए समझते हैं जरा। देखिए हुआ क्या है कि 15 अगस्त को जब इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंकन गवर्नमेंट को ये गिफ्ट दिया, उसके नेक्स्ट डे ही मीन्स 16 अगस्त को श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट चाइना को एज ए लीज के तौर पे दे दिया था। मीन्स 99 ईयर के लिए लीज पे यहाँ पर चाइना का पूरा पावर चलता है। आप श्रीलंका ने पूरी तरह से दे ही दिया है उन्हें। तो यहाँ पर चाइना अपनी एक शिप भेज रहा है, शिप का नाम है युआन वांग फाइव की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू चाइना ये एक सेटेलाइट ट्रैकिंग रिसर्च शिप है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये रहा ये शिप, चाइना कहता है कि ये सेटेलाइट ट्रैकिंग रिसर्च शिप है जिसमें बड़े बड़े रडार लगे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बट जितने भी वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो सभी जगह एक ये बात निकल कर आती है कि चाइना का ये स्पाई शिप है। स्पाई शिप कैसे है, क्योंकि ये शिप क्या करती है, किसी भी नेशन के पास में जहाँ पोर्ट के आसपास जाती है और वहाँ पर जो भी कोस्टल एरिया है, वहाँ पर जितने भी डिफेंस इंस्टॉलेशन वगैरह हो रहे होते हैं, प्रोग्राम चल रहे होते हैं, उन्हें पूरी तरह से ट्रैक कर लेती है और उस नेशन में क्या चल रहा है उसको ये ट्रैक कर लेती है। तो इंडियन कंटेक्स में भी सेम प्रॉब्लम थी। इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्टली तो ये एक्सेप्ट नहीं किया कि इससे किसी को थ्रेट है, मीन्स इंडियन गवर्नमेंट को कोई थ्रेट है, बट इनडायरेक्ट फॉर्म में अचानक से डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को श्रीलंका भेजना या फिर इसे रोके रखना काफ़ी दिनों तक, ये हम्बनटोटा पोर्ट पर नहीं पहुँच पाए, यह इनडायरेक्टली ये मैसेज जाता है कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को ये लगता है कि जब हम्बनटोटा एयरपोर्ट पर, यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर जब आ जाता है ये सिर्फ, तो इंडिया से ज़्यादा दूर नहीं है। मीन्स इंडियन जितने भी कोस्टल एरिया है, वहाँ पर जितने भी डिफेंस इंस्टॉलेशन प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं, उसे चाइना आसानी से ट्रैक कर सकता है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये पूरा यहाँ पर पहुँचना। अगर इससे हटकर अगर हम बात करें तो जब इंडियन एयरक्राफ्ट श्रीलंका पहुँचा तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमासिंघे जी खुद एयरपोर्ट पर आए थे। तो समझ सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और उन्होंने थैंक्स कहा इंडियन गवर्नमेंट को कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस क्राइसिस के समय में, क्योंकि श्रीलंका ऑलरेडी इकोनॉमिकली एक क्राइसिस से गुजर रहा है, ऐसी सिचुएशन में इंडिया ने आगे बढ़कर श्रीलंका की हेल्प की है। तो इंडियन लोगों को श्रीलंकन तरफ से थैंक यू भी बोला गया है। तो ओवरऑल समझिए कि ये जो न्यूज़ है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का वहाँ पहुँचना और चाइना के शिप का वहाँ पहुँचना, ये बहुत ही करंट सिनेरियो में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि एक तरफ जहाँ चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अमेरिकन बहुत सारे नेशन मिलकर एक जगह वहाँ पर वॉरफेयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर एक शिप का पहुँचना, ओवरऑल समझिए कि जो वर्ल्ड सिनेरियो है उसमें एक मैसेज को देता है। और इंडियन गवर्नमेंट का आगे बढ़कर श्रीलंका को हेल्प करना भी एक मैसेज देता है कि अब इंडिया किसी भी कीमत पर चाइना का यहाँ पर कोई रोल नहीं चाहता है। मीन श्रीलंका के आसपास इंडिया नहीं चाहता है कि श्रीलंका के पास चाइना पहुँचे और इंडिया के लिए किसी तरह की कोई थ्रेट क्रिएट करे। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।